तो मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग एंट्री कर चुके हो एडिटिंग चैनल पे जिसका नाम है एडिट्स राहुल। तो आज एक छोटा सा कंपटीशन मैं कर रहा हूँ जिनमें भाग लिया है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट किया है छोटे छोटे एडिटर्स जो हमारे सिटी के सालेपुर सिटी के कटक डिस्ट्रिक्ट का सालेपुर सिटी से है एंड एक दो बंदे हैं जो उड़ीसा से बाहर है, मेरे दोस्त नहीं है मतलब ऐसे एडिटिंग फ्रेंड्स है। तो वेलकम करते हैं उनको। अबे साले मतलब स्टेज पे नहीं वीडियो पे वेलकम करते हैं नाम बुला के। ठीक है तो गाइस नाम एक के बाद एक मैं बोल रहा हूँ। कहाँ गया चिमकांडी नाम? A few moments later. तो पहला नाम है तुषार भाई जो हमारे सालेपुर से है, पुपुन जानी, सार्थक, प्रमोद, ज्योति, अभिजीत, राजा, ये सब हमारे सालेपुर से है एंड प्रशांत भाई आप भी सालेपुर से है एंड ये लोग सभी मेरे दोस्त है। तो लास्ट में जो है आदित्य वो उड़ीसा से बाहर है, एक छोटा बच्चा है वो भी अच्छा रीडिंग करता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। रुको गाइस कॉम्पिटिशन पहले एक डिस्क्लेमर मैं बोलना चाहता हूँ, हर एक फोटो की मैं गलतियाँ निकालूंगा एंड क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैं निकालूंगा। ठीक है तो प्लीज़ गलतियाँ को दिल पे मत लेना, गाली मत देना कमेंट में, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैंने जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप के उस व्हाट्सएप ग्रुप में आके आप गाली दे सकते हो मुझे कोई बात नहीं। लेकिन आपको क्या करना होगा जो मैं आपकी फोटो की जो गलती मैं बोलूँगा तो गलती को आपको दिल पे नहीं लेना है। ठीक है अगर दिल पे लेते हो तो गाली कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं देना है, तो अगर दो भी तो मैं कमेंट काट दूंगा। ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारी कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इनका नाम है तुषार एंड आपकी एडिटिंग में मुझे यह अच्छा लगा आपका जो येलो कलर टोन दिया है एंड आपने जो क्रॉप किया है वो क्रॉप मुझे बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट साइज पे आपने क्रॉप किया है एंड आपका जो बैड मतलब पिक के अंदर जो खराबी है वो है आपने जो पिक्सार्ट यूज़ किया है, ये इस पिक के अंदर पिक्सार्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडिटस करते हो तो पिक्सार्ट यूज़ मत करो, लोगो लगाना चाहते हो तो ऑटोडेस्क स्केचबुक पे लगाओ क्योंकि वहाँ लोगो क्लियर दिखता है एंड क्वालिटी भी लॉस नहीं होता है। अगर आप लोग क्या करते हो पिक्सार्ट पे जाते हो पिक्सार्ट पे जाकर लोगो लगाते हो तो क्वालिटी लॉस होता है, इसलिए रिसाइज करना मत भूलना। ठीक है रिसाइज कर लो आपको क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो तुषार भाई आपका पिक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो पिक में ज़्यादा क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो गया है आपका, ब्लैक ज़्यादा हो गया है। ठीक है तो पेड़ के नीचे देखते हो आप ब्लैक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है तो ब्लैक को लाइट कर दो, शैडो को थोड़ा इंक्रीज कर दो, आपका पिक मस्त लगेगा। ठीक है तो हमारा नेक्स्ट पिक है कुपुन भाई के, ये तो भाई एडिटर कम मॉडल ज़्यादा लग रहा है, शादी कर दो उनकी। अल्लाह माफ़ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहन लो, रहन लो बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। तो आपकी पिक में भी वही सेम येलो टोन डाला हुआ है आपने डाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुडू भाई की बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी बहुत अच्छा लग रहा है कुपुन भाई एंड आपका मुझे जो बेस्ट लगा हुआ है अपना लोगो, आपने जो लोगो बनाया है एकदम यूनिक लोगो है, शेर का पीएनजी लगाया है एंड अपना नाम लगाया है बहुत अच्छा लगा है एंड आपका जो लाइव पीएनजी लगाया है ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी पिक में खराबी है आपने शैडो को इंक्रीज नहीं किया, जो गलती गुड्डू भाई ने किया था आपने भी वही गलती किया है, तो प्लीज़ शैडो को इंक्रीज करो, फोटो के अंदर ज़्यादा ब्लैकनेस मत रखो, डार्कनेस मत रखो, ओनली लाइट ज़्यादा करो। ठीक है आपने फोटो दिन में क्लिक किया है लेकिन ये लग रहा है कि इवनिंग में क्लिक हुआ है, तो आप क्या करो थोड़ा सा शैडो को इंक्रीज करो, मतलब जो अंधेरा है वो थोड़ा नाइट से डे को ट्रांजेक्ट करो। तो इन लवर भाई का इंस्टाग्राम आईडी है लवली बॉय कुपुन, जल्दी से जाओ फॉलो करो, अगर उनका पिक अच्छा लगता है तो उनको एडिटिंग करने दे सकते हो, वो भी फ्री में एडिटिंग करके ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है, फ्री में एडिटिंग करके दे देते। और आपने स्किन के स्मूथ बहुत अच्छे से किया है लेकिन ये स्मूथ थोड़ा कार्टून जैसे लग रहा है, तो आप क्या करो लाइट रूम में जाके ग्रेन अमाउंट थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है लाइट रूम में एक होता है बिग नेट पे टैप करने के बाद उसके नीचे होता है ग्रेन अमाउंट, उसको थोड़ा कम कर दो, नहीं ज़्यादा कर दो। ठीक है और नेक्स्ट चलते कौन है देखते हैं। तो भाई इनका नाम मैं बोल नहीं पाऊंगा, औकात नहीं है मेरी भाई। दिन में 10 लड़कियां पटा रहा है ये, हमें दिन में 10 फॉलोअर्स नहीं इंक्रीज हो पा रहा है, ये दिन में 10 लड़कियां पटा दे रहा है, पता नहीं कैसे क्या जादू है इनके पास। ये तो है मुस्लिम लेकिन पटाता है लड़कियां श्री कृष्ण के जैसा, गोपियां इनके पीछे भाग भाग कर आते हैं, साले कैसा फोटो बनाता है क्या बोलूं।
तो इनकी फोटो में चार चांद लग चुका है, देखते हैं क्या क्या लगा है इनकी फोटो में। यूज किया है सिर्फ लाइट रूम यूज करके इतना अच्छा फोटो बना देता है जानी भाई हमारा। तो जानी भाई आपने बहुत अच्छा एडिटिंग किया है, नेचुरल ग्रीन टोन दिया है। आपका जो पेड़ है वो लगता है कि कल ही उगाया है, मतलब हाइब्रिड इंजेक्शन देके उगाया गया है, पता नहीं क्या लगाया है पेड़ के अंदर, बहुत ही ग्रीन टोन आ रहा है। आपने पिक्सआर्ट यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, लाइट रूम इस 3-4 साल पहले आया है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस। एंड आपने बहुत अच्छा एडिटिंग किया है, आपको मिलेगा एक छोटा सा चॉकलेट, जब बाजार जाऊंगा तो दे दूंगा। तो आपकी फोटो में थोड़ी सी गलती रह गया है, आपने जो रोड पे क्या हुआ है आप लोग देख सकते हो, रोड पे ग्रीन दिख रहा है, तो रोड पे क्या पत्ते गिरे थे, पत्ते तो नहीं है, तो रोड ग्रीन क्यों हुआ। आपको एक यूज करना चाहिए सिलेक्टिव टूल को यूज करके आपको नीचे से जो लाइन होते हैं वो मार के आपको सैचुरेशन कम कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा जो ग्रीन रह गया है नीचे वो क्लीन हो जाएगा एंड रोड एकदम क्लियर दिखेगा, मतलब लगेगा कि रोड ब्लैक है ये ग्रीन नहीं। ओके तो थैंक यू बजानू भाई, आपका इंस्टाग्राम आईडी मुझे आपने दिया नहीं था, इंस्टाग्राम आईडी की भी ज़रूरत नहीं है आपकी फ़ोटो, अगर बाजार में जाके कोई देखा देगा तो ये कौन है, तो आपकी इंस्टाग्राम क्या प्रोफाइल सब कुछ निकल के लोग दिखा देंगे, पता नहीं कैसे करते हो तुम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नहीं नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट एडिटर कौन है। तो नेक्स्ट है सार्थक भाई, आपने बैकग्राउंड कलर बहुत अच्छा बनाया है, आपकी बैकग्राउंड कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आपके जो लोगो है एकदम प्रोफेशनल, आपने शायद खुद हाथों में क्रिएट किया है, मतलब हाथ में ऐसे कुछ नहीं, मतलब आप खुद पिक्सआर्ट में क्रिएट किया है, लगता है मुझे विजय मयूर का बाप हो भाई, विजय मयूर का सिर्फ एक ट्रायंगल, उसके बाद एक बीच में एक लाइन, उसके बाद उसका नाम। तो आपने क्या किया भाई, अनलिमिटेड लाइन दे दिया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पिक में जो लोगो बनाए हैं। तो ऐसे ही लोगो बनाते रहो, तो फ्री टाइम मिले तो मेरी भी एक बना लेना भाई। तो आपकी एडिटिंग बहुत अच्छा लगा, आपका जो फुल फोटो है एकदम कलरफुल लग रहा है भाई। तो आपकी खराबी क्या है कि भाई आपने इतना ज़्यादा क्लैरिटी दे दिया कि फोटो तो जल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा जल रहा है कि फोन भी जल जाए। तो आप क्या करें, थोड़ा शैडो इंक्रीज कर दिए। सो गाइस 3-4 लोगों की एडिटिंग में डिफरेंट ये है कि भाई आपने शैडो इंक्रीज नहीं कर रहे हो, मतलब शैडो इंक्रीज मतलब शैडो को बनाना नहीं है, शैडो LR में जो होता है लाइट रूम में शैडो का जो ऑप्शन होता है उसको इंक्रीज करने से क्या होगा, आपकी डार्कनेस खत्म हो जाएगी, आपका जहाँ शैडो होगा जैसे आप देख सकते हो मेरे आई के नीचे शैडो है, इस साइड से लाइट आ रहा है तो इस साइड से शैडो है, इस शैडो क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा, यहाँ जैसे लाइट है यहाँ ऐसे भी लाइट पड़ेगा, ठीक है। तो शैडो को इंक्रीज करना कभी मत भूलना, ज़्यादा इंक्रीज करने से आपको क्या होगा कि ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा जैसे लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा इंक्रीज करो कि जैसे ऐसे लगे, ठीक है, ऐसे नहीं लगे। तो आपके पिक में सिर्फ इतनी ही खराबी थी एंड आप लोग अगर पिक्सआर्ट यूज़ करते हो तो प्लीज़ रिसर्च करना मत भूलना एंड पिक्सआर्ट में लोगो बनाते हो लोगो लगाते हो तो डॉट रूम में लगाओ, ठीक है, डॉट रूम में कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको, डॉट रूम में लगाओ। एंड सार्थक भाई आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, बहुत अच्छा लगा आपका इंस्टाग्राम आईडी नाम है MK सार्थक, प्लीज़ फॉलो कर लेना, लाइक भी बढ़ा देना, लाइक भी लगा देना, कमेंट भी दे देना, अगर अच्छा लगे तो उनकी नंबर भी मांग लेना, छोकरा बहुत हैंडसम दिख रहा है। तो भाई नेक्स्ट है हमारे प्रमोद भाई, ड्रीम्स कॉलेज का एक नंबर स्टूडेंट, क्या लग रहा है भाई, चिकना चोरा मस्त लग रहा है। तो इनका इंस्टाग्राम आईडी आलोन बॉय जीत भाई, आलोन रखा क्यों है, हम सभी तो आपके साथ है, आलोन क्यों रखा है, चेंज कर दो अच्छा लगेगा, आलोन कभी मत रखो, लड़की के पीछे भाग भाग के आलोन रख दिया भाई, अपना माँ बाप है हम, मैं दोस्त है चिंकानी लोग है, क्यों आलोन रखा है भाई, चेंज कर दो, दुआ है मेरी चेंज हो जाए आपकी आईडी। तो आपने बहुत अच्छा एडिटिंग किया है, टोन तो आपका मस्त एकदम नेचुरल टोन लग रहा है एंड पीछे जो बिल्डिंग है भाई नज़र नहीं लग रहा है मेरी। तो आपने बहुत अच्छा एडिटिंग किया है, आपने जो यूज़ किया है आप एप्लीकेशन हो है LR एंड स्नैपसीड से जब यूज़ करते हो आप, तो आप क्या करते हो सैचुरेशन आपका जो स्नैपसीड से यूज़ किया है, स्नैपसीड से बहुत अच्छा एडिटिंग किया है, लेकिन आपका जो स्किन है तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, स्किन में कुछ ब्लैक मतलब जैसे कोयला लगा है भाई, स्किन को थोड़ा स्मूथ कर लो, अगर स्किन स्मूथ नहीं आता है तो ऑटोडेस्क का स्किन स्मूथ बहुत अच्छा लगता है, मैंने आई बटन में दे रखा है, डाउनलोड कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो प्रमोद भाई थोड़ा शार्पनिंग
भी दे देना एंड स्किन स्मूथ कर देना, इतना ही आपकी फोटो में कमी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट फोटो की ऊपर। ज्योति भाई, ज्योति प्रकाश भाई ने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बनाया है। मतलब अभी तक तो कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, सिर्फ रिटच किया है। रिटच में भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सब। आपने टोन दिया है ब्लैक एंड व्हाइट विथ कलरफुल, एकदम यूनिक टोन है। आज तक टाकू एडिट्स एसके एडिट्स भाई किसकी बच्चे ने भी ऐसा टोन नहीं दिया है भाई। आपकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपने जो पी के अंदर लाइट पिंज लगाया है बहुत अच्छा लग रहा है एंड लाइट पिंज के साथ आपने जो लाइट पार्टिकल्स ऐड किया है भाई, आपका फोटो बहुत अच्छा लगा। तो खराब ये है कि आपकी फोटो में थोड़ा शार्पनिंग चाहिए एंड क्लैरिटी ज़्यादा हो गया, तो नीचे कर दीजिए, शैडो की इंक्रीज करिए, क्योंकि आपका हेयर एकदम ब्लैक दिख रहा है, साइड कुछ ब्लैक दिख रहा है। तो प्लीज़ शार्पनिंग दे दो, लाइटनिंग के थोड़ा बढ़ा लो एंड वाइटनेस कम कर दो, ब्लैक को बढ़ा दो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके शैडोज इंक्रीज हो जाएगी, मतलब शैडो का पहले से ही बोल दिया है, शैडो दिखने नहीं लगेगी, लाइट दिखने लगेगी, ठीक है। तो इनकी चैनल का नाम नहीं, इंस्टाग्राम आईडी का नाम है ज्योति क्रिएशन एंड एडिट्स, डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम। बहुत ही अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कलरफुल पोर्ट्रेट बनाता है। तो नेक्स्ट है हमारी अभिजीत भाई। आपका इंस्टाग्राम का आईडी देख के मैं सब चकरा गया है। नाम है अभिजीत 77355। भाई आधार कार्ड कनेक्शन कर रहे हो क्या? यहाँ थोड़ा शॉर्ट नेम रखो, जैसे हमारा नाम एडिट्स राहुल, उनके ज्योतिष क्रिएशन एडिट्स, कुछ शॉर्ट नेम कुछ लंबा लिखो। यस, नंबर याद नहीं रहता है भाई, नंबर चेंज कर लो आप इंस्टाग्राम आईडी की। तो आपकी फोटो में कुछ भी खराबी नहीं है। आपकी पोज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल तो नहीं है इन फेस में, तो आपकी पिक बहुत अच्छा लगा। एडिटिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना हुआ है उतना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी फोटोग्राफी आपकी जो पिक जो क्लिक किया है वो एकदम अच्छे से क्लिक किया है। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगर आपकी फोटोग्राफी एकदम अच्छा होगा तो एडिटिंग कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतना सा एडिटिंग से आपका फोटो क्लिक हो जाएगा, मतलब एडिट हो जाएगा। तो आपका पिक बहुत अच्छा लगा। आपको ज़रूरत है सिर्फ थोड़ा सा शार्पनेस की, क्योंकि शार्पनेस देने के बाद आपकी क्वालिटी एकदम जलने लगता है भाई। तो आपकी पिक बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम आई डी अभिजीत 77355 याद करना भाई, याद रहेगा ना, नोट कर लो। तो चलते नेक्स्ट कौन है देखते। नेक्स्ट है हमारे राजा भाई। राजा भाई आपका पिक में एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक चीज़ है वो बटरफ्लाई, बनके तू बटरफ्लाई। क्या लगाया है आपने बटरफ्लाई को, कहाँ लगाया है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बटरफ्लाई एंड आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी पिक में एक चीज़ घटिया लग रहा है, वो है कि क्वालिटी, आपकी क्वालिटी इतना लॉस होता है क्योंकि आप स्नैपसीड में एडिटिंग करते हो। भैया स्नैपसीड की ज़माना जा चुका है, अब आया है एडोब फोटोशॉप और एडोब लाइटरूम का। तो प्लीज़ यूज लाइटरूम फॉर लाइटिंग एंड कलर एडजस्टमेंट। अच्छा भाई आपके लिए सिर्फ, और लाइटरूम में एडिटिंग करने के बाद आपकी क्वालिटी लॉस नहीं होता है। अगर क्वालिटी लॉस होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके लाइटरूम बैकग्राउंड्स एडिटिंग करते कैसे करते हैं प्लीज़ देख लो। तो आपका पिक बहुत अच्छा लगा एंड आपने ब्लैक एंड व्हाइट कलर दे दिया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका स्किन जो है इतना, मतलब आपका क्वालिटी लॉस हो रहा है। इस फोटो की क्वालिटी में सोच के बोल रहा हूँ कि 200 या 400 के भी होगा, ठीक है, क्योंकि बट मेरा पिक जो एडिटिंग करता हूँ मैं 10 MB 11 MB ऐसा कुछ होता है। तो प्लीज़ क्वालिटी इंक्रीज करना मत भूलना, पिक्चर की क्वालिटी कॉन्टेंट से थोड़ा मैच करना चाहिए। अगर आपकी कॉन्टेंट अच्छा है तो क्वालिटी भी, आपको फोटो की क्वालिटी मिनिमम से 1 MB से 2 MB तक रखना चाहिए। अगर क्वालिटी भी लॉस होता है तो कोई बात नहीं, आपकी कंटेंट अच्छा ना होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट इज किंग बट क्वालिटी भी थोड़ा किंग से नीचे है, क्वालिटी भी रखना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है भाई हमारा भाई है आदित्य भाई। वो हमारे सालेपुर सिटी का नहीं है, बस छोटा बच्चा है उड़ीसा के बाहर से, कहाँ याद नहीं है। तो उनकी पिक मुझे जब दे रहे थे बोले कि भाई तुम्हारे दोस्त सब देंगे डी एस एल आर का पिक
और एडिट सब फोटोशॉप में करते हैं, मैंने बोला नहीं नहीं फोटोशॉप में नहीं करते, वो सब मोबाइल में एडिटिंग करते हैं। और DSLR की पिक हो या मोबाइल की पिक डिफरेंट नहीं करते हैं। अगर मेरे एडिटिंग्स आप देखोगे इंस्टाग्राम पे जाके, तो इंस्टाग्राम के नीचे सबसे नीचे जब जाओगे तो पहला पिक जो है पहले से 10-11 पिक जो मेरे है सब कुछ मैं मोबाइल में एडिटिंग किया था। ठीक है, मोबाइल एडिटिंग इज़ द बेस्ट। हर वक्त सबके पास DSLR नहीं होता है, मोबाइल में ही एडिटिंग करना पड़ता है। मैं आज तक मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहते हो तो मोबाइल में फ़ोटो क्लैरिटी अच्छा नहीं आता है, क्योंकि अच्छा क्यों नहीं आता है भाई, आपकी जो मोबाइल है वो वीवो V9 की है, और जानते हो वीवो V9 एक ही मोबाइल है जो हमारे जनरेशन में पहला वाला फ़ोन है जो डुअल कैमरा के साथ फुल स्क्रीन दिया था। ठीक है, मतलब एंड्रॉयड का डुअल कैमरा के साथ फुल स्क्रीन देने वाला ये पहला मोबाइल है वीवो V9 आपका जो मॉडल है। और आपकी क्वालिटी, आपका जो मोबाइल है हमारे मोबाइल से बहुत अलग है। मेरा मोबाइल में अभी बोया का माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपका ये पहला वर्जन मोबाइल है। और सब लोग जानते हो ओल्ड वर्जन इज़ द बेस्ट, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो आपकी फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छा है, फोटो भी बहुत अच्छा हुआ है, जूम करता हूँ तो फट ही नहीं रहा है, मतलब फट ही नहीं रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आदित्य भाई आपकी पिक बहुत अच्छा लगा, आपको कुछ मैं बोलूँगा नहीं, खराबी क्या है पिक में आपकी मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि आपने DSLR में क्लिक नहीं किया है। तो क्वांटिटी इज़ द बेस्ट, क्वालिटी इज़ नो बेस्ट। फोटो की एडिटर्स के लिए एक चीज़ जानना बहुत जरूरी है, कंटेंट इज़ किंग, आपकी कंटेंट क्या है वो किंग है, क्वालिटी की डिफरेंट नहीं पड़ता है। अगर आप क्या करते हो एक बहुत सारे PNG, मतलब कि PNG मतलब में जब जस्टिस फॉर मनीषा, इसके लिए अगर एक कंटेंट बनाते हो तो आपकी कंटेंट श्योर वायरल होगी, फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कंटेंट की क्वालिटी कितना है, फोटो फट रहा है या कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जस्टिस फॉर मनीषा लेके कोई अच्छा सा कंटेंट बना के पोस्ट कर दोगे इंस्टाग्राम पर एंड हैशटैग यूज़ करोगे जस्टिस फॉर मनीषा, तो आपकी पिक श्योर वायरल होगी, आपकी कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, दीजिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, आपकी जितनी मीडियम साइज क्वालिटी देना चाहिए उनको रखो, ज़्यादा क्वालिटी इंक्रीज करने की मत सोचना, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी वही फ़ोन में होता है जो आईफोन वन प्लस ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली वही सब फ़ोन में होता है, और फ़ोन में भी इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना फोटोशॉप में होता है। ठीक है, आपके पास फोटोशॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल की एप्लीकेशन से उनके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करके आपको HD बनाना है। ठीक है, तो आदित्य भाई मैं आपकी तारीफ कर सकता हूँ लेकिन बेइज्जती नहीं करूँगा, आपने बोला था भाई आपने बेइज्जती कराओगे मुझे लाके कंपटीशन में, क्योंकि मेरे पास DSLR नहीं है। भाई DSLR डिफरेंट नहीं करता है, मेरे पास भी DSLR नहीं है, जब मेरे दोस्त बुलाते हैं तब जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी फोटो एडिटिंग सीख के मैंने सोचा कि भाई मैं ऐसा फोटो बनाऊँगा कि आप लोग DSLR से क्लिक करोगे, मेरा कैमरा से क्लिक होगा लेकिन ज़्यादा लाइक मेरे फोटो में आएगा। तो लाइक तो नहीं आ रहा है लेकिन बहुत लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, मोबाइल में क्लिक करके DSLR में क्लिक करके भी मुझे मोबाइल एडिटर को देते एडिटिंग करने के लिए। तो आपके भी बहुत अच्छा लगा। तो गाइस टाइम आ चुका है विनर्स को स्टेज पे लाने के लिए, स्टेज पे नहीं मतलब विनर की पिक इस दीवार पे लगाने की टाइम आ चुका है। तो जस्ट वेट एंड सी विनर कौन कौन है। तो गाइस मैंने सबकी फोटो से निकाल दी खराबी, तो अब निकलेगा खुद की खराबी, खुद की फ़ोटो से क्या खराबी है, मैंने क्या एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्या गलती मैं करता हूँ, सब कुछ इस फोटो से देखकर मैं आपको बताऊँगा क्लियरली। तो फास्ट जो है मेरा पिक के अंदर खराबी ये है कि मैं इतना क्यूट बना रहता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि आपकी पिक लड़की की मेकअप जैसा लग रहा है। ठीक ही बोला भाई, मेरे पिक जो है मतलब मेरा स्किन दिखने में तो चिकना चौड़ा लग रहा हूँ, लेकिन पिक में इतना चिकना चौड़ा कर देता हूँ कि लड़की भी हार मान जाएगी, इतना क्यूट हूँ मैं, इतना क्यूट बनाना नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं बनाता हूँ तो लाइट रूम पर जाके मुझे ग्रेन अमाउंट थोड़ा देना चाहिए, तो मैं आगे से सबकी पिक के अंदर ग्रेन अमाउंट लगाऊंगा। और ख़राबी है कि मेरा फ़ोन में कुछ ख़राबी है, इसलिए कि मैं पिक अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, जितने भी DSLR पिक्स है वो क्लिक किया है एकदम गलत, मतलब मेरा कोई अच्छा दोस्त फोटोग्राफर नहीं है, जो भी फोटोग्राफर अच्छा दोस्त है वो मेरा फ़ोटो क्लिक करने का बुलाते नहीं, DSLR तो है ही नहीं पर मेरे पास, मैं जितने फ़ोन में ट्राइपॉड लगा के करता हूँ
फोटो क्लिक करता हूँ उतना अच्छा एडिटिंग होता है। फ़ोन में तो इतना अच्छा डिटेल्स नहीं आएगा, जितना आता है मैं उतना जान लगा के कर देता हूँ। तो मेरा फ़ोन की क्वालिटी वजह से इतना खराबी तो आता है। तो फोटो से खराबी ये निकल रहा है कि ज़्यादा क्यूटनेस हो रहा है और मैं ज़्यादा ग्रीन टोन के ऊपर बना रहा हूँ। तो ग्रीन टोन छोड़ के शायद कुछ और ट्राई करना है मुझे और न्यू कॉन्सेप्ट भी लाना चाहिए। तो गाइस एक कॉमिक आपको बताऊंगा, हंसना मत सिर्फ देखना है आपको। तो मैं क्या किया है कि दो दिन पहले बाहर गया ट्राईपॉड लगा के फ़ोटो क्लिक करके एडिटिंग करने के लिए मोबाइल से। तो मैं ट्राईपॉड लगाया, मोबाइल ट्राईपॉड में लगा दिया, फ़ोटो क्लिक करने के लिए एक बाल्टी रखा, मतलब ऐसा कुछ पोज करना था मुझे। बाल्टी रख के फ़ोटो क्लिक करने गया तो एक छोटा लड़का आया, बोला कि राहुल भाई क्या आप जियो का नया टावर की नक्शा बना रहे हो क्या, इतना छोटा सा टावर। मेरे पास एक ही सोच था तब, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। छोड़ो यार वो तो गया। उसके बाद उसका बाप आया, उसका बाप बोला राहुल तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है, ऐसा आप पोज लेके क्या महाभारत बना रहा है। वक्त आ चुका है विनर को स्टेज पे बुलाने के, तो स्टेज पे विनर को बुलाते हैं। तो विनर इज तो मेरे भाइयों, आप सभी को विजेता बनाने का मेरा एक मकसद है, जो कि आप सभी एक एडिटर्स हो मेरे जैसा। एडिटर के बीच कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, सभी एक अलग अलग कंटेंट बनाते हैं। किसी की टाइप अलग है, किसी की कंटेंट अलग है, किसी की क्वालिटी अलग है। कोई स्मार्टफोन से करता है तो कोई फोटोशॉप से करता है, कोई DSLR से क्लिक करता है तो कोई फ़ोन से क्लिक करता है, इससे कंपटीशन नहीं होता है। अगर गाइस ये वीडियो मेरा कुछ अच्छा व्यूज़ लाइक्स आया तो ज़रूर मैं नेक्स्ट कंपटीशन में कुछ विनर्स को सिलेक्ट करूँगा एंड कुछ प्राइज भी आपके लिए ज़रूर रखूँगा। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कर देना, जब तक आप अच्छा एडिटर बनते जा रहे हो। एक प्रोफेशनल एडिटर बनने के बाद फोटो सेंड करना और इंस्टाग्राम पे DM कर देना, भाई कंपटीशन बनाऊँ, अपन विजेता बनने के लिए तैयार है, तब मैं कंपटीशन 2 बनाऊँगा एंड उसमें विजेता सिलेक्ट जरूर करूँगा, विनर्स घोषित जरूर करूँगा एंड प्राइज भी जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंपटीशन के लोग अच्छे लगे तो इनके डिस्क्रिप्शन में मैं सबकी लिंक दे रहा हूँ, सबकी नाम बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम आईडी की, उनके साथ बात कर सकते हो। एंड सालेपुर सिटी के हर एक एडिटर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे एंट्री करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूज माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। अबे बॉस जी के कमेंट में गाली मत देना।